सगे चचा ने मंगनी तोड़ दी। लड़का बाहर किसी मेम में दिलचस्पी लेने लगा था और रिश्ता उन्होंने नहीं हमने तोड़ा था। तुम अरसलान को फोन करके माफी मांग लो, बाकी काम हम कर लेंगे। किस बात की माफी मांग लो? जाती उन्होंने की है, माफी मैं मांगू? मुझे क्या होने लगा, जिसे जानती भी नहीं उसकी मुंतजर क्यों रहने लगी हूँ? क्या जरूरत थी वहां जाने की? उसके लिए हमारी इज्जत और मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती, बदल चुकी है वो। लेकिन अब आपकी मोहब्बत औलाद के लिए तो नहीं खत्म होती ना? क्यों लेकर गए थे तुम इन्हें वहां? पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ ये कहा था किसी काम से बाहर जा रहे। पहले भी समझाया था, जिसने अपने शौहर के सामने बेइज्जत करके घर से निकाला, आप उसके साथ क्या ताल्लुक जोड़ना चाहते? इकलौते भाई की शादी पे सगी बहनें ना आई, ऐसी शादी पे किसको खुशी हो सकती है? तो मिल गई खुशी, होगी तसल्ली आपकी? मैं तो बड़े मान से उसके पास गया था, वो अपने बाप की बात को नहीं टालेगी, लेकिन उसने तो घर के अंदर तक नहीं बुलाया। तो अब अंदाजा हो गया आपको अपनी अहमियत का? उसको हमारा कोई एहसास नहीं है, उसको सिर्फ अपना वो घटिया शौहर अजीज है और कुछ नहीं। दरअसल अब वो अमीर तबके की फैशनेबल मॉडर्न लेडी बन चुकी है, अब हमारे जैसे मिडिल क्लास उसे कहां समझ में आएंगे? तो जहन्नम में जाए फिर वो, आज के बाद उसका इस घर में कोई जिक्र नहीं करेगा, ये सब अच्छी तरह समझ ले। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? इतने काम है, कपड़े इस्त्री होने। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है, ठीक तो? क्या हुआ मेरे बच्चे? अरे बेटा हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अम्मी सनम की आज बहुत याद आ रही है, मोहल्ले में कहीं भी शादी होती थी हफ्ता पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी, और अब अपने भाई की शादी में वो नहीं होगी। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन बेटा क्या करें, तुम्हारे अब्बू भी वहां गए थे, वो तो दिलो दिमाग से बिल्कुल बदल गए। पहले भी किसी की नहीं मानती थी, अब तो किसी को कुछ समझती ही नहीं। अभी मैं उसे फोन करती हूँ। जी आपे सनम, क्या तुम वाकई सब भूल गई हो? वो दिन वो यादें। आपे प्लीज, मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है। फोन क्यों किया? सनम अरसलान भाई की आज मेहंदी है, तुम प्लीज आ जाओ। खुदा के लिए अब वो तुम्हें खुद लेने आएंगे, प्लीज। खून के रिश्ते छोड़े तो नहीं जाते ना? देखो सनम, तुम आ जाओगी ना तो सारी नाराजगियां खत्म हो जाएंगी। क्या खुर्रम तुम्हें यहाँ आने से रोकता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सनम प्लीज शाम को मेहंदी पे जरूर आना। अभी मैं नहीं आ सकती, मुझे और काम है, मुझे कहीं और जाना है। अल्लाह हाफिज। आप? जी मैं फरहाद। आप हैं फरहाद? जब आपको दूर से देखा था तो ये आंखें दिल में समा गई थी, आज करीब से देख रहा हूं तो ये हसन कहीं जान ही ना ले ले। ये आपके लिए। थैंक यू। कहां देखा था आपने मुझे? ये सब छोड़ें, कहां देखा था, किधर देखा था? आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हैं?
लेकिन मुलाकात अब हो रही है। कहाँ छुपी हुई थी आप जी? देखे ना, मेरी मोहब्बत भरी नजरों ने आपको तलाश करी है, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या मतलब? जब से आपको देखा है तो आपसे मोहब्बत सी हो गई है, और अब मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। Please don't disturb me. भाड़ में जाए तुम्हारी पार्टी, सुबह होने वाली और तुम अभी तक वहीं पर हो। Shut up. क्या हो गया भाई? यार एक गर्लफ्रेंड जब बीवियां बनती है ना, बिल्कुल ही बदल जाती है। You mean Natasha? Of course. देखो मुझे पार्टीज में जाने का मना कर। She crazy. तो छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ सकता यार, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। माय गॉड, याद आया यार मुझे, मैं सोच रहा था अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी फैक्ट्री में ही स्टार्ट कर लेता हूँ, तुम मुझे रेंट पर दे देना। ना मैं अपनी फैक्ट्री सेल कर सकता हूँ, ना रेंट पे दे सकता हूँ। आई एम इन ग्रेट ट्रबल यार। अच्छा तो हम दोनों 50% बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं, शेयरिंग में काम करेंगे, फैक्ट्री ज्वाइन करते हैं। प्रपोजल तो अच्छा है, मगर फ्रैंकली मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तो तुम मत आना ऑफिस, मैं जाया करूँगा, तुम्हें मंथली प्रॉपर इनकम भिजवा दिया करूँगा, जो भी प्रॉफिट हुआ 50% शेयर। साउंड्स गुड। अस्सलामुअलैकुम आपी। पूनम से शादी करने के बाद तो तुम बात करने से भी गई। लगता है बहुत बिजी कर दिया उसने। नहीं वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से मैं फोन नहीं कर पाई। पूनम जैसे शख्स से शादी करके किसी की तबीयत नॉर्मल रह भी नहीं सकती। आपी प्लीज, आप जब भी मुझे कॉल करती हैं आप खुर्रम के अगेंस्ट बात करती हैं, इसके अलावा आपके पास और कोई बात नहीं होती करने को। ओह तो तुम्हें मेरी बातें भी बुरी लगने लगी। लगता है बहुत मोहब्बत हो गई है तुम्हें खुर्रम से। ऑफ कोर्स हस्बैंड जो है वो मेरा। ओह अच्छा, तो अपने लविंग हस्बैंड को कहो कि जल्दी से आए और तुम्हें यहाँ से आके ले जाए। क्या मतलब? जाहिर है। कब तक मेरे फ्लैट में रहोगी? मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही हूँ, उससे पहले तुम मेरा फ्लैट खाली करो। अब हम कहाँ जाएंगे? खुर्रम को तो किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। सभी सभी जी भैया जान, इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। वो मैं तुम्हारे पड़ोसी है ना रेहान भाई, उनके घर गई थी तुम्हारा रिश्ता लेकर। उन्होंने बताया कि वो लोग कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, जैसे ही वापस आएंगे समझो रिश्ता पक्का। उनकी बेगम तो इतना खुश हुई है सुनकर। मैंने भी कह दिया कि मैं चंद दिनों के लिए यहाँ हूँ, मंगनी नहीं करूंगी, शादी करके दुल्हन लेके जाऊंगी अपने सभी की। अब मैं कोई बात नहीं सुन रही तुम्हारी, समझ में आई मेरी बात? तुम अभी आए हो पार्टी से, अब कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री जा रहा हूँ। पैसे गायब होने का एक और बहाना। नताशा मेरा मूड खराब मत करो प्लीज। मेरे साथ ये ड्रामे बंद करो। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, मुझे मत रोको।
मैं पहना दूँ? हाँ? मैं पहना दूँ। You sure? लो। Thank you. Welcome. तुम भी सोच रही होगी कि ये बिल्कुल हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अमूमन हस्बैंड इस तरह की चीजें करते हैं। मेरे हस्बैंड को मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश है। ओह, तुम उसे मिस करती हो? करती थी, अब नहीं। सनम, रिश्ते वही होते हैं जिसे इंसान दिल से एक्सेप्ट करे, और जिन रिश्तों को इंसान दिल से एक्सेप्ट नहीं करता ना, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। क्या मतलब? ऐसे ही बोल रहा हूँ। एक्चुअली लाइफ बहुत शॉर्ट होती है ना, तो हम एक्सपेरिमेंट क्यों करें? सनम, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोहब्बत होती है। अगर ये मोहब्बत ना हो तो इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में क्या चीज अहमियत रखती है? मोहब्बत। और मेरी जिंदगी में सबसे अहम और कीमती चीज तुम्हारी मोहब्बत। आई लव यू। क्या पहले कभी किसी से मोहब्बत हुई है? दो दफा। लेकिन सनम, किसी से वो सुकून नहीं मिला जो तुम्हारे साथ मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि दिल पे किसी का इख्तियार नहीं है। अंकल, ये सनी है, मेरा बिजनेस पार्टनर। हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या तुम लोगों ने कानूनी मामला तय कर लिए? मेरा मतलब है कि सनी कितने परसेंट का शेयर होल्डर होगा? जी, 50%। 50%? 50% इज टू मच। और किसी भी पार्टनर को फर्स्ट गो में 50% का पार्टनर बनाना? एक्सक्यूज मी, हम आपस में डिसाइड कर चुके हैं। प्लीज आप इंटरफेयर मत करें। मिस्टर सनी, मैं खुर्रम का पैट्रोन हूं और खुर्रम मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल, एक्चुअली सनी अभी जानता नहीं है, इसलिए। खुर्रम, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, बाद में मिलता हूं, तुम इन्हें डिटेल्स बता देना। ओके पार्ट। क्या हो गया खुर्रम तुम्हें? तुम इस नॉनसेंस के साथ बिजनेस करोगे? मेरे ख्याल में तो इसे बिजनेस का कुछ सेंस ही नहीं है। कल, आप नहीं जानते, सनी के फादर बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उन्हीं के सपोर्ट में मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। फिर भी बेटा, सोच समझ कर ये स्टेप उठाना। देखिए, अभी सारी इन्वेस्टमेंट सनी की, मैं तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करूँ। और डॉक्यूमेंटेशन? अंकल, सनी मेरा क्लोज फ्रेंड है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है? नो माय डियर, बिजनेस इज बिजनेस। जब तक तुम इस फर्क को नहीं समझोगे तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते। ओके अंकल, आपके एडवाइस के बगैर कुछ नहीं करूंगा। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक। शहनाज, इनसे मिलो, ये सहरिश की अम्मी है। तो अब ऐसा होता है, इसको देखकर ना मेरे तन बदन में आग लगना शुरू हो जाती है। मुझे तो डर है गुस्से के मारे में कुछ करना डालूं। क्या हो गया तुम्हें? कंट्रोल करो खुद पे। शुक्र करो भाई की बारह जर्फी को उसे हमने बुला लिया सब कुछ होते थे, वरना तुम ना बुलाते तो अच्छा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खामोश चुप करके कहीं कोने में बैठ जाओ।
मैम आप कहाँ रह गई थी? अयान को उल्टियाँ हो रही हैं और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है? आई डोंट नो, टेम्परेचर बहुत है। अच्छा, तुम उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊँ? अयान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें तनख्वाह किस बात की मिलती है? मैं पे उसकी केयर की लेती हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी। पता है मुझे, बताओ मत ज्यादा। सॉरी टू से, मैंने आप जैसी केयरलेस मदर कहीं नहीं देखी, जिसे बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं। प्लीज जस्ट शट अप, छोड़ो ये नौकरी और जाओ, मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना आता है। आई थिंक मुझे चले ही जाना चाहिए, आप जैसी। आई सेड शट अप और निकलो यहाँ से। अयान की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं, टाइम मिले तो करवा लीजिएगा। क्यों करूंगी मैं? सहरिश मेरी होने वाली बहू थी, लेकिन तुम्हारी बदकार लड़की की वजह से ना मेरे बेटे ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। सनम का उससे कोई वास्ता नहीं, मगर जो ताल्लुक बनाया था ना उसे उसने कहीं कभी नहीं छोड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बेटे को अब किसी औरत पे एतबार ही नहीं रहा। तुम्हारी बेशरम लड़की ने जो किया है ना, तुम देखना किस तरह उसके राज फाश करोगे, किस तरह उसकी इज्जत उछालोगी। शनाज, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना, उसकी सजा तुम दूसरों को क्यों दे रही हो? ऐसा ही होता है, एक करता है ना तो दूसरे लोग भुगतते हैं। अरे तुम्हारी तो बहुत औलाद है ना, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, और तुम देखना अब मैं क्या करती हूं। ये शहनाज ने आपसे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कही? जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं। दरअसल इसके बेटे से सहरिश की मंगनी हुई थी, मगर खैर छोड़े, आप इसकी बातों पे बिल्कुल तवज्जो ना दें और बस इससे दूर रहे। बस चुप कर जाओ, चुप, बस अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 बस, हेलो। ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो मेरा बेटा है अयान। तुम्हारा बेटा? लेकिन तुमने कभी बताया नहीं। पहले कभी मौका नहीं मिला ना। वो मेड के पास ही होता था, आज ही मेड जॉब छोड़ के गई है ना, तो इसलिए मुझे संभालना पड़ रहा है। जल्दी से मेड रख लो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ सुबह आ जाएगी। तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। क्यों? जब से तुमसे मिल के आया हूँ दिल बहुत बेकरार हो रहा है। दिल चाहता है कि क्या? अभी छोड़ो रहने दो, तुम्हारे बेटे ने सारा मूड खराब कर दिया है, बाद में बात करता हूँ। चुप कर जाओ। क्या कहना चाहता था वो?
जिंदगी का नया सफर मुबारक। आपको भी। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। बस उम्मीद करता हूँ कि अपनी मोहब्बत के साथ तुम मेरी जिंदगी और घर दोनों को खूबसूरत कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं सरिश, तुम्हें ये करना होगा। मेरे अम्मी अबू की खिदमत और इरम से मोहब्बत। और सनम, सनम शादी पे भी नहीं थी, पूछ सकती हूँ क्या? बस वो यूं ही। आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। सनम का शौहर अच्छा आदमी नहीं, हम चाहते हैं कि वो उसको छोड़ दे, पर उसने उसकी खातिर हम सबको छोड़ दिया। तो ये बात है। उम्मीद है कि आप भी मुझसे सच नहीं छुपाएंगे। मतलब तुम्हारी मंगनी टूटी और आप लोगों ने ये बात अम्मी से भी छुपाई, क्यों? वो चाचा का बेटा था, किसी लड़की की मोहब्बत में ऐसा पागल हुआ कि रिश्ता ही तोड़ दिया। ओ, पर तुम मेरी वफा पे हमेशा यकीन रखो, मैं हमेशा सच्ची मोहब्बत निभाऊंगा। अगर शहनाज ने सनम का पोल खोल लिया तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। माँ क्या सोचेगा? हाँ अम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर मुझे तुम्हारे भाई के गुस्से से बहुत डर लगता है। अगर उसको कुछ पता चल गया तो वो तो सनम की जान ले लेगा। वाकई अम्मी, अरसलान भाई को तो वैसे भी सनम पे बहुत गुस्सा है। पता नहीं क्या होगा। आप कोशिश करें कि सहरिश भाभी को महके ना जाने दें और रिश्तेदारों से भी कम से कम मिलने दें, और खास तौर पे उसकी चच्ची की दावत पे तो जाने ही ना दें। यह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ये पाबंदियां कब तक लगाएंगे? अम्मी, अब ऐसा करना तो हमारी मजबूरी है ना। मुझे आज सनम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी दिल्लगी ने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया। सोचा था कि घर बहू लाऊंगी, उसके नखरे उठाऊंगी। ये जालिम सासे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और अब मैं खुद एक बन रही। ओहो, आप उससे मोहब्बत जरूर करें, पर थोड़ा रो भी तो रखे ना। नताशा आ जाओ, नूडल संडे हो रहे हैं। क्या बात है, किससे बात हो रही थी? बहुत खुश दिखाई दे रही है। थैंक यू। अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगी जिस दिन तुम्हें। तुम बताओ, फैक्ट्री गए थे? गया था। सनी के साथ एक नया बिजनेस शुरू करना। दैट्स परफेक्ट। सनी वैसे भी बहुत टैलेंटेड है, रिलायबल है। लेकिन सऊद अंकल की ऑब्जर्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। क्या मतलब? उन्हें वो बिल्कुल ही रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं लगता। उनको क्या पता, वो दोस्त तो हमारा है ना। तुम अंकल सऊद की बातों पे ज्यादा तवज्जो मत दो। ठीक कह रही तुम। वैसे तुम्हें अपनी बीवी नहीं याद आती? नो, आई हेट हर। मेरी बीवी सिर्फ तुम हो। तुमने तो कई बार मुझे भी टच करवाने की बातें की हैं। ओ कम ऑन यार, ऐसे ही कह देता हूँ मुझसे मैं। यू नो आई लव यू। जी जी हाँ, जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? अरे भाई, सलमान भाई का फोन था, क्वेटा से। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे थे, बहुत खुश थे। वैसे शादी पे भी सब बेहद खुश थे, सिवाय आपकी भाभी के। क्यों, क्या हुआ भाई? वो इरम और गजाला के पास बैठे ना जाने क्या कह रही थी कि दोनों परेशान से लग रही थी। मुझे तो डर है कि कोई ऐसी वैसी बात ना कर दियो
कि मेरी बेटी सहरिश की जिंदगी पे कोई मसला खड़ा हो जाए। ऐसी वैसी बात क्या, क्या मतलब इस बात का? मेरी बेटी पाक दामन और बाकिरदार लड़की है, किसी की मजाल है जो उसके बारे में कुछ कहे? हासिदीन का कुछ पता नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हो। भैया आप शौकत को समझा देना कि शहनाज मेरी बेटी के साए से भी दूर है। शादी में बुलाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारे घरेलू मामलात में बड़ापन दिखाए। समझा दूंगा मगर तुम भी गुस्से मत हो। देखिए मैं आपको कह देती हूँ कि अगर मेरी बेटी की जिंदगी में कोई मसला आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चे का बुखार बहुत बिगड़ चुका है, आपको इसकी बहुत केयर करनी होगी। केयर तो मैं करती हूँ डॉक्टर। ये मेडिसिन इसे रेगुलर दें और हर घंटे के बाद बुखार चेक करें। अगर बुखार कम नहीं होता तो इसे हॉस्पिटल दाखिल करवाएं। थैंक यू। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हर थोड़े अरसे बाद इसकी तबीयत खराब हो जाती है। बच्चे का खुद ख्याल रखी है या मेड? मैं खुद रखती हूँ, मेड भी रखती है। बस यही एक वजह है, आप कोशिश करें कि बच्चे का खुद ख्याल रखें। बेटा 9 डब्बे रह गए, मेरे ख्याल में मोहल्ले में बांट देते हैं। और तुम साथ वाले की बच्चियों को तो बुला लो। जी अम्मी, बस सना और बीनेश आती होंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। देखो तुम मुझे आंटी मत कहा करो, आज से तो मुझे अम्मी कहो। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्हें अम्मी ही कहा करो। जी अम्मी। चले कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो अम्मी के घर जा रहे हैं, कल ही आएंगे। अजीब बात है, तुम तैयार भी हो गई और मुझे कुछ बताया भी नहीं। नहीं, मुझसे पूछ के तैयार हुई है। फिर भी सास को बताना फर्ज बनता है या नहीं? सहरिश तुम यहाँ आके बैठो बेटा, मैं तुम्हें इस घर के अदब आदाब जरा सिखा दूँ। देखो बेटा, हमारे यहाँ बहुएं ज्यादा महके नहीं जाती और ना ही वहां जाके रहती हैं। तुम एक दो घंटे के लिए अरसलान के साथ वहां चली जाना और वापस आ जाना। जी। और अपने रिश्तेदारों के घर तो बिल्कुल नहीं जाना, हजार हासिद और दुश्मन होते। लेकिन अम्मी तुम चुप करो, मैं बता रही हूँ ना इसको। मेरी बात गौर से सुनो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मिस मारिया आप आ गई, मुझसे अयान बिल्कुल नहीं संभल रहा था। जी मैंने भी उसे बहुत मिस किया। अच्छा अब से आपने यहीं पे रहना है, मैंने आपके रहने का अरेंजमेंट ऊपर करवा दिया है। आप बेशक अपने बच्चे ले आए लेकिन आपने रहना यहीं पे। लेकिन बस मेरी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। आप बेफिक्र रहें, थैंक यू सो मच। शराफत। जी मैम। मिस मारिया को ऊपर शिफ्ट करा दें, इनकी हर जरूरत का ख्याल रखना आप। मिस मारिया अयान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आजकल, उसका ज्यादा ख्याल रखना। डोंट वरी मैम। आइए प्लीज। आइए। सबीर मुझे शॉपिंग मॉल ले जाओगे? मॉल तो थोड़ा दूर है, ये जाने इस वक्त मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मुझे जॉब पे जाना है। शाम को ले जाऊं? आपको वैसे भी कौन सी कोई मेजर शॉपिंग तो नहीं करनी? नहीं, वो रेहान भाई की बेटी शानजे आ रही है ना, मैं चाह रही थी तारीख तय करने से पहले कुछ तैयारी कर लूं ताकि आगे मसले ना। दिया जाना आप खुश है? तुम्हारी खुशी के लिए दुआएं कर करके थक गई तुम्हारी माँ, अब जब खैर से खुशी का मौका आया है तो जाहिर सी बात है बेटे मैं खुश हूँ। ठीक है चले मैं आपको फिर शाम में ले जाता हूँ। शुक्र है तुम्हारी आवाज़ तो सुनने को मिली। सनम
वहां से ही सुन लेता ना तब मेरा दिन शुरू नहीं होता। बनाओ मतलब। अच्छा तो मैं ऐसा लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ या ड्रामा कर रहा हूँ? नहीं मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन तो है ना? है तो सही लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन डर लगता है कि कहीं ये हंसी ख्वाब टूट ना जाए। ट्रस्ट मी, तुम्हारा ये ख्वाब कभी टूटने नहीं दूंगा। ट्रस्ट करती हूँ तभी तो बात कर रही हूँ। तुम्हारी इन्हीं बातों पे तो मुझे बहुत प्यार आता है। देखो तुम मेरे बारे में ज्यादा जानती नहीं हो तभी मुझ पे इतना एतबार करती हो, मुझसे इतना प्यार करती हो। क्योंकि मोहब्बत है हमारे दरमियान और मोहब्बत में एतबार खुद ब खुद हो जाता। मेरा दिल नहीं चाहता कुछ और पूछने का। थैंक यू सो मच कि तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट करती हो। अब अच्छा हम शाम में मिल रहे हैं ना? अब देखो प्लीज बेटे का बहाना मत बनाना। नहीं मेड आ गई है। दैट्स गुड यार। सलाम, रात में तुमसे बात नहीं कर सका, पूरी रात सही से सो नहीं पाया हूं मैं। मैंने भी बहुत मिस किया। दिस इज ट्रू लव। हम शाम को मिल रहे हैं। गेट रेडी। बाय बाय। कॉल ड्रॉप हो गई। तुम्हारी अम्मी का फोन आ रहा था, कॉल कर। क्या बात करूं, सुबह से इंतजार कर रही है वो मेरा। क्या बताऊं उनको कि मुझ पर अभी से पाबंदियां लग चुकी हैं और अब मैं उनके घर सिर्फ मेहमान की तरह ही जा सकती हूं। अच्छा प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं अम्मी से बात करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। क्या बात करेंगे आप, उनके दिल में जो भी था उन्होंने साफ साफ बता दिया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई गुलाम हूँ उनकी। इतनी पाबंदियां तो कभी मेरे घर वालों ने मुझ पर नहीं लगाई थी जितनी इन्होंने लगाई है। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। अच्छा सेरिश इतना गुस्सा मत करो ना, मैं कह रहा हूँ कि ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा और मैं बता रही हूँ अगर हालात ऐसे रहे तो मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। सोचा कि तुम्हें मैं आज अपना घर दिखा। बहुत प्यारा है, काफी बड़ा है। चल। काफी खूबसूरत घर है। इस खूबसूरत घर में मेरी हम सफर बनोगी? क्या कह रहे हो सनम? मोहब्बत में जब तक मिलन ना हो तब तक मोहब्बत अधूरी रहती है। सनम मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं, मुझे मुकम्मल कर दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं शादीशुदा हूं।
सो व्हाट, और जिस तरीके से तुम मैरिड हो इससे बेहतर है कि तुम विडो हो जाओ। मतलब तुम्हारा, तुम अपने दिल से पूछो क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो। अरे तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है सनम, तुम दोनों जो जिंदगी गुजार रहे हो इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी सनम, रिश्ते में मोहब्बत होना बहुत जरूरी होता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना? हाँ वो तो है। तो फिर क्या यार, इस रिश्ते को खत्म करो। देखो इस खूबसूरत घर में हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हें दौलत शौहरत सब कुछ तुम्हारे कंधों में ला के रख दूंगा। सनम प्लीज मुझ पे एक बार ट्रस्ट करो प्लीज।